एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो कम्युनिटी एनवायरनमेंट हो, ठीक है, इस तरीके के जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे जुनाइल्स के मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, और डेलिकेंट बिहेवियर को लाने, मतलब जो अपराध सोच आते हैं ना, अपराधी सोच आ गया है, चाहे अपराध करना है, उस तरीके के बिहेवियर के लिए कैसे इम्पैक्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। देखिए, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। नंबर वन तो एक उनका एटमॉस्फेयर है जहाँ बच्चे रहते हैं। अगर कहीं वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ ड्रग बेची जाती है या शराब बेची जाती है, उनके फैमिली में कोई माँ, मदर, फादर, ब्रदर ये सब काम करते हैं, तो बच्चा ये सोचता है कि ये तो एक सोर्स ऑफ इनकम है। उसको ये नहीं पता होता कि ये क्राइम है, या कोई गांजा पी रहा है तो बच्चा सोचता है ये तो आम बात है, जबकि वो पीना गलत है। तो इस तरह से जो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है, चोरी करके ला रहा है, किसी का साथी बच्चे का, तो दो जगह, अच्छा है भाई, ये तो बढ़िया काम है, उसको नहीं पता। तो जैसा माहौल है, जो चीज वो देख रहा है, तो वो उसके अनुसार ही उसकी मेंटेलिटी बन जाती है, वो उस तरह से नशा करने में या क्राइम करने में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आजकल जो एक शो ऑफ का जो दौर चल पड़ा है, ये वही बच्चे महंगे महंगे फोन लिए रहते हैं। अब जी एक बच्चा ऐसा है जिसके पास, मदर फादर के पास आमदनी नहीं है, वो इतना महंगा फोन नहीं ले सकता है, तो वो फोन लेने के लिए कहीं चोरी करेगा, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगा। जी तो एक तरह से ये जो शो ऑफ का जो हमारा माहौल बन गया है, ये भी किसी हद तक बच्चों को स्पॉइल करने में जिम्मेदार है। तो कुल मिला के जो मॉरल वैल्यूज हैं उनके, जो एथिक्स हैं, वो पूरी जिम्मेदार हैं, उनके लिए कुछ वो रॉन्ग नहीं है, जो कर रहे हैं उनके लिए वो राइट है। तो कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है हर टाइप के जो जगह में लोग रह रहे हैं, चाहे झुग्गी हो या रैन बसेरे जो भी हो, तो वहाँ पे भी जाके अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो उनको मॉरल वैल्यूज़ है वो सिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो अवेयर हों कि क्या राइट है या क्या रॉन्ग है। बिल्कुल सही कहा आपने, इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसे जो जो डिप्राइव क्लासेस हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, या जो सोसाइटी के लोअर स्ट्रेटा है, जहाँ ये सब क्राइम वगैरह होते हैं, वहां जाके उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि जी ये सब जो काम कर रहे हो ये गलत है। आप कोई शराब बेच रहे हो या ड्रग बेच रहे हो, ड्रग पी रहे हो, शराब पी रहे हो या चोरी कर रहे हो, उनको बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस की जरूरत है। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ एक सेग्रीगेशन जो है उसका वो बहुत काम, अगर बच्चे को वहां से सेग्रीगेट कर दिया जाए तो उस माहौल से बच सकता है। और जी वो कई बार जो हमारी चाइल्ड लाइन है वो ये काम करती है कि जो माँ बाप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, सोचते हैं कि कोई लड़का है लड़की है, ये कहीं इसी काम में ना पार्टिसिपेट करने लगे, उनको पकड़ के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करते हैं, फिर उसको हम चिल्ड्रन होम में रखकर रिहैबिलिटेट करें। जी